भारतीय जनता पार्टी के पुरस्कृत पैनल से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार थे और आपको जनता ने जीत दिलवाई है, तो अब जनता का विकास कैसा करेंगे सर, गांव का विकास कैसा करेंगे, उस बारे में दर्शकों को बताइए। अभी जो कल ग्राम पंचायत के निकाल आ गई, उसमें हमारा कानड़गांव झोड़ेगांव जो ग्रुप ग्राम पंचायत है जिसका तालुका अंबड़ और ज़िला जालना है, हमारे पैनल के ऊपर हमारे गाँव के लोगों ने पूरा विश्वास दिला कि हमारे सभी सदस्यों को अच्छी बहुमत से यहाँ पे चुना है, तो वो विश्वास को यहाँ पे कहा तड़ा न जाते हुए उनका सार्थ करने के लिए हम आने वाले 5 सालों में प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पुरस्कृत होने के कारण हम अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है वो पूरी तरह से जो भी पात्र लाभार्थी है लेकिन वंचित है उनको लाभ दिलाने के यहाँ 100% यहाँ पे काम करेंगे, पूरी टीम के साथ काम करेंगे। वंचित, दीन, दुर्बल, शोषित, इनको न्याय देने का हमारे माध्यम से काम करेंगे और उसके चलते गांव की जो मूलभूत समस्या रहती है, जल की रहती, पानी की रहती, रास्ते की रहती, बिजली की रहती, नाली की रहती, तो वो समस्या को प्राधान्य क्रम से छोड़ने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। उसके साथ जो भी महिला है, विद्यार्थी है, मजदूर है, उनको यहाँ पे न्याय देने का काम करेंगे। जो महिला के लिए बचत गट के माध्यम से उनका सबलीकरण करने का काम करेंगे। विद्यार्थी है तो उनके स्कूल में जो कोई यहाँ पे समस्या रहती है वो छोड़ने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। उसके चलते जो नव तरुण युवक है उनके लिए हम यहाँ पे अलग अलग शिविर यहाँ पे आयोजित करेंगे, इनको मार्गदर्शन करेंगे, उनके काम के लिए मार्गदर्शन करेंगे। जो केंद्र सरकार की जो योजना है स्किल डेवलपमेंट की, मेक इन इंडिया के अंतर्गत, तो कुछ नौजवान हैं जो यहाँ पे उनके पास जो गट्स है, स्किल है, उनको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे और उनको व्यासपीठ दिलाने का यहाँ पे हम अपनी टीम की ओर से, हमारे सब पूरे सदस्य की ओर से यहाँ पे प्रामाणिक काम करेंगे। ज़्यादातर समस्या ये होती है कि जो विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बहुत दूर होता है, उनको जाने की सुविधा नहीं होती है, तो कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे आप कि बच्चों को भी कुछ सुविधा मिले? बिल्कुल करेंगे। हमारा गांव छोटा है लेकिन जिला परिषद शाला जो है हमारी स्कूल, वहाँ पे हमारे अभी तक जो 7वीं तक की जो कक्षा है उसको बढ़ा के हम 10वीं तक ले जाने का काम करेंगे। उसके चलते जो जाने आने का जो साधन रहता है उसमें लोग विद्यार्थियों की बहुत तकलीफ होती है, तो उसके चलते उनको जो सुविधा उपलब्ध करने की ज़रूरत होगी ग्राम पंचायत लेवल पर, तो उनको ट्रांसपोर्ट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर अवेलेबल कैसा हो सकता है इसका भी हम प्रयास करेंगे। और जो मुख्य समस्या रहती गांव में आरोग्य की, तो उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी रहती, लोगों की जागरूकता नहीं, तो जागरूकता लाने का भी हम प्रयास करेंगे और आरोग्य के बारे में लोगों को अच्छी सुविधा कैसे प्राप्त हो सकती है ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, लेकिन केंद्र की जो अभी आयुष्मान भारत योजना है उनका प्रभाव या मलबजावनी हो, राज्य सरकार की जो महात्मा फुले ज्योतिबा जो आरोग्य योजना है उनके माध्यम से उनको कैसे लाभ मिला सकते हैं, मुख्यमंत्री सहायता निधि है, पंतप्रधान सहायता निधि है, ऐसे गोर गरीब जो लोग हैं उनको यहाँ पे निश्चित उनके बीमारी में हो उनके इसमें हम मदद करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सर आप एक डॉक्टर भी हैं और एक युवा है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको भरोसा किया है, तो उस भरोसे को कैसे कायम रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले लोगों को यहाँ पे प्राधान्य देती है। हमारे विधायक है बदनापुर अंबड़ विधानसभा के, जो लोकप्रिय विधायक है हमारे सम्माननीय नारायण भाऊ कुचे साहब, इनका भी हम पर बहुत बड़ा भरोसा है। और केंद्रीय मंत्री है यहाँ के, खासदार है, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री है, कोलसा खान मंत्री है, जो यहाँ पे अपना महाराष्ट्र का देश का नेतृत्व करते हैं, सम्माननीय रावसाहेब पाटिल दानवे साहब, इनका भी हम पर बहुत बड़ा भरोसा है, उन पर हमने बताया, उन पर हमारे ऊपर जताया है। उसके चलते लोगों ने, हमारे गांव के दोनों लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा डाला है, तो उसका जो हम आगे आने वाले दिनों में उनका प्रामाणिक प्रयास करेंगे कि वो भरोसे को ऐसा मजबूत रखेंगे और लास्ट तक उनको हर काम में जो तकलीफें होंगी वो पूरी तरह से निपटारने के लिए सहायता करेंगे।
मैं कानड़गांव और झोड़ेगांव की जनता का बहुत मनपूर्वक आभार दिलाता हूँ, मानता हूँ कि उन्होंने हमारे पैनल परिवर्तन ग्राम विकास पैनल के ऊपर भरोसा देकर हमको जिताया। आने वाले दिनों में उनका पूरी तरह से समस्या निपटाने का, उनका काम करने का हम प्रामाणिक प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम साईनाथ सुदामराव उकारडे। एवढ्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, त्या विश्वासाला मी कुठं तडा नाही जाता, पूर्णपणे काम करीन, 5 वर्षे त्याच्या सेवेत राहीन ही माझी नम्र विनंती। जनतेने जे आमच्यावर विश्वास टाकला, आम्हाला भरघोस मताने निवडून दिल्याबद्दल जनताचे सर्वांचे धन्यवाद। राम बाबूराव तावरे, ग्रामपंचायत सदस्य। प्रथम मी दोन्ही गावाचे आभार मानतो की त्याने आमच्या पूर्ण पॅनेलला निवडून दिलं आणि जे गावच्या विकासाच्याबद्दल राहिलं तर यातला पूर्ण विकास आम्ही करून दाखवू हा शब्द आम्ही तुम्हाला सर्वांच्या दिलेला आहे। पॅनलमध्ये उमेदवार किती होते? आमच्या पॅनलमध्ये उमेदवार होते 7 आणि 8 हुए सरपंच पदा म्हणजे 8। एकच गप्पा शाही अप्पा, एकच गप्पा शाही अप्पा। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो।